ऑपरेशन के बारे में आप पूछिए तो सर, ये जो एनकाउंटर आज भिशमन हाई सिक्योरिटी जोन है, आप लोग जानते हैं कि थोड़े दिन पहले एक सीआरपी के चार तारीख को सीआरपी का एक पिकेट था, जगह का नाम मशुमा चौक में पिकेट था। उस पिकेट पर एक अटैक हुआ था जिसका वीडियो हम लोगों ने देखा, तो पता चला कि दो लोग आए और एक को पहले गोली मारी, निरंजन सिंह नाम है उस ऑफिसर का, उसे अभी मिल के भी आए हैं और उसको गोली लगी। और उसके बाद जब दूसरा लड़का आके निरंजन को देखने लगा, विकास, तो विशाल ना हेड कांस्टेबल, हाँ हेड कांस्टेबल विशाल, उसको आकर के पीछे से एक दूसरे ने गोली मारी और दौड़ के भाग गया। हमारे लोगों ने रिएक्ट किया लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पब्लिक में मिल गए और मिल के चले गए कहीं पर। उसके बाद में फिर ये बात वहाँ के जो थानेदार थे मिस्टर तारिक, वो तुरंत दौड़ के आए, उनको ले जाके भर्ती किया अस्पताल में और हमारे लोग भी गए फिर वहाँ पर। सब लोगों ने मिल करके इस केस को FIR लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको लीड मिलने के बाद ये पता चला कि शायद ये यहाँ पर छुपे हुए हैं। तो यहाँ पर जब छुपे हुए की खबर मिली तो आज लोगों इन लोगों ने बैठ के प्लानिंग की, SOG और वैली QAT और CRPF के बाकी सब अफसरान और जो अफसरान यहाँ के JKP के हैं, सब लोगों ने मिलकर इसकी प्लानिंग की और प्लानिंग करके आज एक बड़ी अच्छी ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें बहुत सर्जिकल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इतने कंजेस्टेड एरिया में जा करके और उसको ऑपरेशन को अंजाम दिया और दोनों टेररिस्ट को मार गिराया है वहाँ पर एक कमरे के अंदर ही। सर दोनों लोकल, तो उसको उन दोनों को मार गिराया है और अपने इसमें हमारे दो CRP के लड़कों को एक स्प्लिंटर की इंजरी हुई है और एक JKP के लड़के को भी इंजरी हुई है, उसको भी हम देखने गए थे। सभी आउट ऑफ डेंजर है, सुपरफिशियल टाइप की उनकी इंजरी है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑपरेशन लड़कों ने किया है। तो मैं यहाँ पे था किसी और काम से, रिव्यू करने अपनी घटना की और सिचुएशन की आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि इन लड़कों से थोड़ा सा मिलते हैं, इनको भी इनसे पता करेंगे कि कैसे काम किया इन्होंने, इनके भी मॉरल बूस्टिंग होगा और मेरे लिए भी एक अनुभव होगा कि इस तरह की रियल लाइफ सिचुएशन को हम नज़दीक से देख सकें। तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, बताइए सर। दोनों ये जो लोकेशन है, फॉरेन टेररिस्ट जहाँ तक अभी तक पता चला है, दे आर फॉरेन टेररिस्ट दोनों ही। ये दोनों फॉरेन टेररिस्ट आकर के, आप सभी जानते हैं कि फॉरेन टेररिस्ट ज़्यादातर एक अपने किसी न किसी अंजाम को, किसी किसी एक बहुत बड़े घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इन्होंने एक घटना की, उस घटना के तहत ही इन्वेस्टिगेशन करके पता चला। अब कैंप 700 मीटर या 500 मीटर या 2 किलोमीटर, यहाँ तो कैंप बहुत सारे हैं, कोई ना कोई कैंप आसपास होगा ही। नज़दीक होने की वजह से वो ज़्यादा वल्नरेबल था या दूर होने की वजह से कम वल्नरेबल था, ये एक प्रश्न है जो कि सोचना चाहिए। आप इसको जो बोल रहे हैं वो प्रश्न अपनी जगह पर है, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हमारा कैंप हो गया था, क्योंकि नज़दीक होने की वजह से ही शायद ये ऑपरेट भी उतना अच्छा कर पाए। अगर दूर होता कैंप तो शायद इनकी चाल ढाल और आना जाना में देर लगती और पता चल जाता लोगों को। तो ये बातें दोनों तरफ चलती हैं, तो अभी हमारे फ़ायदे में हुआ, हो सकता है वो अपने फायदे में करने को आए थे। डीजी साहब, इनके पास यही उत्तर आप खुद ही दे रहे हैं, क्योंकि आधार में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी आदमी अपना आधार ऐसे नहीं बनवा सकता। बनवा ही लेते हैं लोग आधार, बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना करके। तो इनके पास से आधार कार्ड मिले हैं, उसी आधार के बेसिस पर तो आजकल होटलों में और बाकी जगहों पर ठहरने को मिलता है लोगों को। तो ये एक चीज़ तो इनकी रहती ही है कि सोच की किसी न किसी तरीके से साधारण पब्लिक में घुल मिल जाए, तो इनको मतलब संदेह लोगों का ना हो और पब्लिक में छुप करके अपने काम को अंजाम दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू।